हेलो बच्चों, वेलकम टू द जेन नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लासेस। इट इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड द मॉडल गिवन देयर ऑफ। द मॉडल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज कॉल्ड द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड जे थॉमसन्स मॉडल। As now scientific community was clear about the presence of electrons and protons in atoms, that is positive charge and the negative charge in the atoms. Now they were trying to arrange this positive and the negative charge in the atoms, how they are present in atoms. J.J. Thomson's model was the first attempt regarding that. And this Rutherford's model is the second attempt. And Rutherford's model ki jo base hai, that is alpha scattering experiment. So alpha scattering experiment kya hai, wohi hum pehle dekhenge. Alpha scattering experiment setup, it contains this lead block. This is the lead block here. This is the lead block. Ye ek lead block hai. This lead block contains the polonium. Polonium. Polonium ek radioactive element hai. It is a radioactive element. This polonium is radioactive element and it emits alpha particles. Ye polonium yaha rakha gaya hai in lead block. And this polonium, it emits the alpha particles. So, ye jo yahan se ja rahe hai, they are alpha particles actually. Alpha particles. And this is the lead plate. Ye jo aage hai, this is lead plate. PB plate hai. It contains a slit through which these alpha particles are passed. And these alpha particles, they are passed through this slit in order to streamline them. In order to make the fine beam out of them. This fine beam is incident on a metal foil. And the metal foil here is, it can be copper, it can be silver, it can be gold, it can be platinum. So different metals ka ho sakta hai ye metal foil. But the thickness of this metal foil is 0.0004 centimeters. Thin metal foil hota hai. These alpha rays, they are incident on that thin metal foil. And this thin metal foil, it is surrounded by a zinc sulfide screen, which is fluorescent in nature. Once this alpha particle strikes this zinc sulfide screen, a fluorescence is produced, or we can say scintillation is produced. Ek chamak aati hai agar ye alpha rays ise strike karengi. तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। उससे पहले हमें देखना कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इट पोजेसेस प्लस टू चार्ज, इट पोजेसेस फोर यूनिट्स मास। अल्फा पार्टिकल जो है, इसका चार्ज प्लस टू होता है और इसका मास दो फोर यूनिट्स होता है। अगर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास एलिमेंट एक है हीलियम। हीलियम जो है, इसके पास फोर यूनिट्स मास होता है। अच्छे से आप याद रखेंगे और नोट भी साथ साथ आप करेंगे। फोर यूनिट इसका मास होता है। अगर इस हीलियम एटम से हम, ये मान लीजिए हीलियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दो हम इससे बाहर निकालेंगे, इफ वी नॉक आउट दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, न्यूक्लियस इसका, और न्यूक्लियस का चार्ज प्लस टू होता है, वही यहां प्लस टू चार्ज है, और इसका जो मास है दैट इज फोर यूनिट। तो इसलिए हम कहेंगे जो अल्फा पार्टिकल्स है, दे आर एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल इज सिंपली है हीलियम न्यूक्लियस। यही हीलियम न्यूक्लियस जो है, दे आर बम्बार्डेड और दे आर इंसिडेंट ऑन दिस मेटल फॉइल। चलिए, तो जब ये इंसिडेंट हुए इस मेटल फॉइल पे, तो फिर होता क्या है, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड एंड हिज कलीग्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का है, फर्स्ट पॉइंट वाज दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड अनडिविएटेड। उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं, वो सीधा चले जैसे कुछ था ही नहीं बीच में, ऐसे उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द मेटल फॉइल अनडिविएटेड और अनडिफ्लेक्टेड। दे पास थ्रू द मेटल फॉइल विदाउट एनी डिविएशंस। तो इनका कोई डिविएशन नहीं हुआ। वो कैसे क्लियर हुआ, यहां असल में सिंटिलेशन जस्ट एट द बैक ऑफ दिस मेटल फॉइल सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो गई, दैट मीन्स ये अनडिविएटेड पास हो गई।
Second point was that few of the alpha particles were deviated by smaller angles. Few alpha particles, smaller angles. ये जो मैंने दिखाया यहाँ से, few of the alpha particles they were deflected by small angles. तो हम लिखेंगे few of the alpha particles या few alpha particles were deflected by small angles. Small angles. They were deflected by small angles. In small angles से ये particles deflect हो गए. तो तीसरा point क्या था? Very few alpha particles they were either deflected by large angles or they were rebounded or we can say they retraced their path. Third point क्या था? Very few alpha particles were either deflected or reflected, we can say deflected by large angles, were either deflected by large angles or were rebounded or they retraced their path. And the number of these, ye mention hai, number of these was one in 20,000. This was the number. काफी कम नंबर था इनका. आउट ऑफ 20,000 रेज एक ही रे ऐसी थी जो लार्ज एंगल से, बाय लार्ज एंगल वी मीन एंगल मोर देन 90, और दे वायर रिबाउंडेड. तो 1 in 20,000 था ये. तो दीज वर द 3 ऑब्जर्वेशन इज मेड. मोस्ट पासड अनडिविएटेड, फ्यू पासड विद स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड वेरी फ्यू वायर रिबाउंडेड और दे वायर डिफ्लेक्टेड बाय लार्जर एंगल. तो इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या आया? व्हाट वाज़ द कंक्लूजन फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस? तो हम कंक्लूजन लिखेंगे. कंक्लूजन क्या था? फर्स्ट कंक्लूजन आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस वाज़ एज मोस्ट ऑफ द रेज दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड. इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये जो मेटल फॉयल है ये अंदर खाली है. दैट मीन्स if most of the these alpha particles they are passing undeviated, it simply means that most of the space in atoms is empty, or we can say atoms are hollow. To hum kahenge as most of the particles the alpha particles passed undeflected, it means that the most of the atom is empty or hollow. Most of the atom is empty or hollow. अगर वो hollow नहीं होता, empty नहीं होता, तो फिर ज्यादातर rays डायरेक्टली पास नहीं होते विदाउट डिफ्लेक्शन. सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट वॉज दैट वेरी फ्यू और फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल. ये डिफ्लेक्शन हुआ क्यों? फिर हुआ क्यों? डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ होगा क्योंकि दीज अल्फा पार्टिकल्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. मैंने आपसे कहा दे हैव प्लस टू चार्ज, तो इनका प्लस टू चार्ज होता है. प्लस दीज अल्फा पार्टिकल्स दे आर मूविंग विद हाई वेलोसिटी और हाई स्पीड. जब ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स हाई स्पीड से आ रहे हैं और यहाँ ये पास हो रहे हैं विद सम डिफ्लेक्शन विद स्मॉल एंगल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. वो तो हमें जेजे थॉमसन मॉडल से भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन जेजे थॉमसन मॉडल में इतना था कि पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडेड. अगर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता, इफ पॉजिटिव चार्ज वुड हैव बीन स्प्रेडेड इन दिस मेटल फॉयल, फिर क्या होता? अल्फा पार्टिकल्स सारे डिफ्लेक्ट हो जाते और दीज अल्फा पार्टिकल्स ये तो सारे ही पास हो जाते. क्यों? या तो डिफ्लेक्ट हो जाते बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज था स्प्रेडेड तो वो वापस आते. अगर यहां पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेडेड ज्यादा है और अलग अलग प्रोटॉन्स है, तो यहां से ये अल्फा पार्टिकल विद स्पीड जा रहा है, उसके पास प्लस टू चार्ज है, तो ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को ले जाता, तो विद द फ्लो यहां ये स्ट्राइक करता. लेकिन ऐसा नहीं होता है. मैक्सिमम तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फ्यू पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टिंग बाय द स्मॉल एंगल्स. तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे ये कंक्लूड किया गया दैट देयर इज सम पॉजिटिव सेंटर. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड समवेयर.
तभी तो ऐसा होता है कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जब उस पॉजिटिव सेंटर के नजदीक आता है दे सफर डिफ्लेक्शन. तो हम लिखेंगे फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर स्मॉल डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इट मीन्स दैट द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड समवायर इन द एटम्स. तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होना चाहिए. जब वो कंसंट्रेटेड है दीज पार्टिकल्स दे आर मूविंग दीज अल्फा पार्टिकल्स दे आर मूविंग क्लोज टू दैट पॉजिटिव सेंटर एंड गेटिंग डिफ्लेक्टेड. तो डिफ्लेक्शन इसी वजह से होता है. तो इस पॉजिटिव सेंटर को बाद में उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, वो हम यही मेंशन करेंगे. द पॉजिटिव सेंटर वॉज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. द पॉजिटिव सेंटर वॉज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. पॉजिटिव सेंटर का नाम पड़ा न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है. तो इसी वजह से इस मॉडल का मैंने पहले कहा था न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने ही किया था. तो दिस वाज द सेकेंड दिस कंक्लूजन. थर्ड कंक्लूजन वॉज दैट एज वी नो वेरी फ्यू पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. वेरी फ्यू पार्टिकल्स. अगर ये पॉजिटिव सेंटर बड़ा होता, अगर ये एटम में बड़ा होता, तब डिफ्लेक्शन जो लार्ज एंगल से हो रहा है या रिबाउंड जो हो रहा है वो होना चाहिए था बहुत सारी रेज का. बट दैट डजंट हैपन. दैट मीन सिंपली दैट दिस पॉजिटिव सेंटर इज स्मॉल इन साइज. पहली बात कम रेज डिफ्लेक्ट हो रही है इधर बाय स्मॉल एंगल्स और बाय लार्ज एंगल्स. तो इसका मतलब इसका साइज स्मॉल होना चाहिए. एंड सेकेंड पार्ट इज दैट अगर ये जो पॉजिटिव सेंटर है अगर इसमें चार्ज कम होता तो अल्फा पार्टिकल तो अपने साथ इसे फ्लो के साथ ही ले जाता. तो इसका मतलब इसमें चार्ज ज्यादा होना चाहिए. और तीसरी बात यह है कि अल्फा पार्टिकल्स तो बड़ी हाई स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो ये जो सेंटर होना चाहिए ये रिजिड होना चाहिए, तभी इसे ये रिबाउंड कर सकता है. हम कहेंगे ये जो सेंटर है ये हैवी और रिजिड होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए. तो हम लिखेंगे पॉइंट पॉइंट नंबर थर्ड हम लिखेंगे एज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल सॉरी लार्ज एंगल्स लार्ज एंगल्स वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स इट मीन्स न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉल कामा हैवी एंड रिजिड. इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया, ये स्मॉल होना चाहिए हैवी होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए. तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हो गया. दीज वायर द कंक्लूजन इज ड्रॉन आउट ऑफ दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और वो कंक्लूजन यहां आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. ये देखिए दीज अल्फा पार्टिकल्स दे आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू दिस. दीज अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो पासिंग स्ट्रेट. दिस अल्फा पार्टिकल इट इज सफरिंग अ डिफ्लेक्शन. दिस अल्फा पार्टिकल इज सफरिंग डिफ्लेक्शन बाय लार्ज एंगल. दिस बाय स्मॉल दिस बाय स्मॉल. तो इस तरह का इनका दिस एक इमेज बना एटम्स का कि यहाँ न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हैं और ये जो न्यूक्लियस के बाहर स्पेस है इट इज एम्प्टी हॉलो हम इसे कहेंगे. और ये न्यूक्लियस जो है ये बहुत छोटा है. कितना छोटा है इन्होंने इसका भी एक लिमिट एक आइडिया दिया हमें, तो हम अभी आगे करेंगे. सो
ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन अब एक मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जिसे हम कहते हैं। चले अब हम करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये मॉडल उन्होंने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल का नाम दूसरा है न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो या तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डिस्कवर किया है इसी मॉडल की वजह से, इसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो मॉडल क्या है अब रदरफोर्ड्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दिस मॉडल फर्स्ट पोस्टुलेट लिखेंगे हम इस मॉडल का। क्या मॉडल का पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट था एज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वायर डिविएटेड ईदर बाय स्मॉल एंगल्स और बाय लार्ज एंगल्स, यानी डिफ्लेक्शन पार्टिकल्स का कम था, दैट मीन्स देयर मस्ट बी पॉजिटिव सेंटर और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन। तो हम लिखेंगे द एटम्स कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इस पॉइंट को हम थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। हाँ, ये पॉजिटिव सेंटर था, पॉजिटिव चार्ज इसी में कंसंट्रेटेड था, इसे हमने न्यूक्लियस कहा, रदरफोर्ड ने इनफैक्ट न्यूक्लियस कहा रदरफोर्ड को। लेकिन यहां एक और आइडिया भी था, उसे पता था कि जो एटम्स का मास आ रहा है वो प्रोटॉन्स की वजह से ही बराबर नहीं हो रहा, इसलिए उसने एक आइडिया दिया इन 1920, ये मॉडल की भी उसी के पास आसपास ही दिया उन्होंने। इन 1920 उन्होंने एक आइडिया दिया दैट दीज एटम्स मस्ट पोजेस सम अदर पार्टिकल एज वेल, एंड दैट पार्टिकल ही नेम्ड एज न्यूट्रॉन। उसने उस पार्टिकल का नाम भी रखा, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1932, लेकिन 20 में ही रदरफोर्ड ने उसका नाम रखा न्यूट्रॉन, और उसने कहा कि पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, अब तो कोई चार्ज बचा नहीं, इसलिए वो जो न्यूट्रॉन होना चाहिए उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो होना चाहिए न्यूट्रल। तो बाद में डिस्कवर भी हुआ वो, एंड दैट न्यूट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस। तो हम लिखेंगे आगे द न्यूक्लियस कंटेन्स, इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, द न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, एंड दीज न्यूक्लियॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और एक बात इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, जो ये न्यूक्लियस है एक्चुअली इट कंट्रीब्यूट्स टू द मास ऑफ एन एटम एज अ होल। अगर हम देखेंगे तो मास इसी न्यूक्लियस का ही होता है, जो बाकी स्पेस बाहर है उसका कोई खास मास नहीं होता, बहुत कम। तो जो मैक्सिमम पोर्शन है मास का, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस न्यूक्लियस ओनली। तो हम लिखे, हम ये लिखने की जरूरत नहीं है यहां तो, लेकिन आपको याद होना, क्लियर होना चाहिए दैट दिस न्यूक्लियस एक्चुअली कंट्रीब्यूटर्स टू द मास ऑफ एन एटम। तो सेकेंड इनका पॉस्टुलेट क्या था, सेकेंड पॉस्टुलेट वॉज, जो हमने कहा कि जो रेज मैक्सिमम थी दे वर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड, दैट सिंपली मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज हॉलो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज हॉलो। तो इन्होंने लिखा द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, which is called as extra
न्यूक्लियर स्पेस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने लिखा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, विच इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. द इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस स्पेस, प्रेजेंट इन दिस स्पेस. तो इलेक्ट्रॉन्स इसी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है उसी में प्रेजेंट होते हैं. तो ये दो मेन पॉस्टुलेट थे. थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, थर्ड इनका पॉस्टुलेट क्या था? थर्ड पॉस्टुलेट था अबाउट द रेडियस और डायमीटर ऑफ एटम. जो एटम है इसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस तो कंसंट्रेटेड मास है, उसका वॉल्यूम और उसका जो रेडियस और डायमीटर है दे आर मच लेस देन दैट ऑफ द एटम. तो हम लिखेंगे थर्ड दिस पॉस्टुलेट, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1 lakh टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द एटम. तो हम ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट, द रेडियस और डायमीटर हम लिखेंगे, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 1 lakh टाइम्स, 10^5 टाइम्स less than that of an atom. तो ये हम याद रखेंगे, 10^5 टाइम्स होता है ज्यादा डायमीटर एक एटम का न्यूक्लियस से. इसे हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस है उसे एक बॉल मान लीजिए, आप क्रिकेट बॉल आप मान लीजिए, और जो ग्राउंड है ग्राउंड को आप मान लीजिए रेडियस के हिसाब से 5 किलोमीटर से ज्यादा ज्यादा, 5 किलोमीटर से ज्यादा ज्यादा. आप देखो वो बॉल और फिर 5 किलोमीटर का ग्राउंड, तो वो डिफरेंस जितना आपको लगता है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ 10^5 टाइम्स. तो बहुत छोटा होता है ये न्यूक्लियस. फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट इसका फोर्थ पॉस्टुलेट. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. ये तो क्लियर हो गया, दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. अब होते कैसे हैं, रेस्ट में है, मोशन में है, कैसे क्या कर रहे हैं, हैफजर्ड मोशन कर रहे हैं. तो रदरफोर्ड ने इसमें सजेस्ट किया दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस एंड दे आर मूविंग विद हाई स्पीड इन क्लोज्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट्स. तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस आर मूविंग इन क्लोज्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट्स विद हाई स्पीड क्लोज्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट्स विद हाई स्पीड. तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट्स विद हाई स्पीड. ऐसे हम दिखाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोज्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसी में रिवॉल्व कर रहा है. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज. ये हमें पता है अपोजिट चार्जेस जो है दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट करने चाहिए, ये अट्रैक्ट करेंगे इसे. दैट फोर्स वी नो इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर तो हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन को ये इनसाइड ही अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है. दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और वी कैन से जो इनवर्ड फोर्स सर्क्यूलर मोशन में होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सर्क्यूलर मोशन में दो फोर्सेस का होना जरूरी है, तभी सर्क्यूलर मोशन जो है सक्सेसफुल रहता है. ये रदरफोर्ड को भी पता था. तो ये जो सर्कल में मूव कर रहा है, तो बाहर आउटवर्ड्स इसका एक फोर्स होगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो क्या कहा
रदरफोर्ड ने कहा दिस सेंट्रीप्यूटल फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. एज अ रिजल्ट दिस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन दिस सर्क्यूलर ऑर्बिट. ये कंडीशन जरूरी है, सेंट्रीप्यूटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर बराबर होने चाहिए, तभी ये इस सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर सकता है. ये रदरफोर्ड ने हमें समझाया था. तो हम कहेंगे ये फोर्थ पोस्टुलेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, दैट दिस इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिटस. इसके साथ जो रदरफोर्ड के बाकी कुलीग्स भी थे उन्होंने भी इनके साथ काम किया, फिर एटम का डेंसिटी वगैरह ये सारा उन्होंने कैलकुलेट किया, डेंसिटी ऑफ एटम्स कैलकुलेट की. तो दिस इज मैरिस्टन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड के साथ काम किया, उन्होंने डेंसिटी ऑफ एटम वगैरह निकाला, वो यहां हमें बताने की जरूरत फिलहाल नहीं है. तो ये जो मॉडल था, ये जो मॉडल हमने पढ़ा, ये मॉडल असल में हम सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सोलर सिस्टम के साथ हम ये कंपेयर कर सकते हैं. सोलर सिस्टम के साथ कैसे, जैसे हमने यहां कहा दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग. ये जो न्यूक्लियस है सोलर सिस्टम में आप कंपेयर कीजिए सन के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे आप कंपेयर कीजिए प्लेनेट के साथ, ये प्लेनेट ये सन. हाँ वहां वो बड़े पैमाने पे है, सन इज मच मोर बिगर, तो वो बहुत बड़ा है, प्लेनेट बड़े हैं. तो लेकिन जो ये मॉडल था इट वॉज सेम एज दैट ऑफ सन एंड प्लेनेट्स. प्लेनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन दियर क्लोज्ड सर्क्यूलर और वट एवर टाइप ऑर्बिटस आर देयर, जैसे भी उनके ऑर्बिटस हो, चाहे वो सर्क्यूलर है ओवल है वट एवर दैट इज, बट दे आर मूविंग इन क्लोज्ड पाथस अराउंड द सन. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते भी हैं प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है कभी कभी इनको, राइट. तो दिस वॉज द मॉडल ऑफ एन एटम, ये मॉडल था. हाँ इस मॉडल का एक खास पॉइंट जो हमारे पास है वो आया है न्यूक्लियस इस मॉडल से. चलिए मॉडल तो आया लेकिन मॉडल बहुत जल्दी फेल होने लगा, ये मॉडल बहुत जल्दी फेल होने लगा क्योंकि इन दिनों एक थ्योरी आई थी दैट वाज मैक्सवेल्स थ्योरी. तो हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स, हम इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे. ड्रॉबैक नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक नंबर फर्स्ट इसका यह था, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी इन दिनों. मैक्सवेल ने, ध्यान से आप समझेंगे मैक्सवेल की थ्योरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थी. उन्होंने कहा व्हेनेवर ए चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर चार्ज्ड पार्टिकल और इन द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अनदर पार्टिकल, व्हेनेवर चार्ज्ड पार्टिकल एनी चार्ज्ड पार्टिकल से सपोज हियर इज इलेक्ट्रॉन, यहां हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात ही है, तो इलेक्ट्रॉन इट्स अ चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन इट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल अगेन. If this electron is moving with respect to this positive charge, this electron should definitely lose energy. ये energy lose करना चाहिए. तो मामला क्या हुआ, रदरफोर्ड ने कहा था it is revolving around the nucleus like this. मैक्सवेल ने कहा कि ये जब भी एक charged particle दूसरे charged particle के and they have the opposite charge, they are revolving around the nucleus, they should lose energy. जब ये एनर्जी लूज करेंगे तो फाइनली क्या होना चाहिए, ये नजदीक आएंगे फाइनली ये फॉल होना चाहिए न्यूक्लियस में. ऐसा होता नहीं है और जो मैक्सवेल की थ्योरी थी दैट वाज करेक्ट, ये सारी साइंटिफिक कम्युनिटी तब की भी मान रहे थे और आज भी ये सही है. तो इससे क्लियर हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है ये आना चाहिए नजदीक 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 न्यूक्लियस के और फाइनली न्यूक्लियस में फॉल होना चाहिए, दैट मीन्स एटम कोलैप्स होना चाहिए. बोहर, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बोहर के बारे में, इंटरेस्टिंग उनकी थ्योरी है या उनका मॉडल है. तो ये जो बोहर है इन्होंने इस पीरियड को कैलकुलेट किया, किस पीरियड को, ये जो आ रहा है नजदीक 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 एंड फाइनली फॉलिंग इन दिस, इन्होंने इस पीरियड को कैलकुलेट किया कितना टाइम लग सकता है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल होने में, दैट मीन्स एक एटम को कोलैप्स होने में कितना टाइम लग सकता है. तो इन्होंने कैलकुलेट किया मैथमेटिकली दैट इज 10^-8 seconds में कोलैप्स होना चाहिए एटम, ओनली जस्ट इन 10^-8 seconds, इट इज वेरी स्मॉल टाइम. तो एटम कोलैप्स होना चाहिए इतने सेकंड्स में, इतने टाइम में ही, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, एटम्स आर वेरी स्टेबल, एटम्स तो स्टेबल होते हैं, दैट मीन्स दे डजंट फॉल इनटू दिस. तो फिर कोई और मैकेनिज्म था,
इसलिए जो हमारा रदरफोर्ड था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स. एटम्स स्टेबल थे लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से वो अनस्टेबल होने चाहिए थे, तो वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो हम लिखेंगे पहला इसका ड्रॉबैक, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स. तो हम लिखेंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. वो आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. दूसरी बात, सेकेंड ड्रॉबैक इसका क्या था? देखिए, आपने प्रिज्म तो देखा होगा. प्रिज्म इज दिस, ये थ्री डायमेंशनल होता है. मैंने यहां टू डायमेंशनल दिखाया बोर्ड पे. यहां से सपोज आपने कोई व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट आपने डाली, प्रिज्म की क्वालिटी होती है ये इस लाइट को डिस्पर्स करता है, स्प्लिट करता है इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स और वी कैन से कलर्स. ऐसे मान लीजिए यहां आपका वेब गायर आ गया, यह वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये कलर डिफरेंट आ गए. इसके नीचे भी आ सकता है, इंफ्रारेड आ सकता है, रेडियो वेव माइक्रोवेव वगैरह, यहां से अल्ट्रा वायलेट आ सकता है, एक्सरेज आ सकता है, गामा रेज वगैरह आ सकता है हमें, तो स्पेक्ट्रम. तो ये असल में ये जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हुई इंटू डिफरेंट कलर्स और इंटू डिफरेंट वेव लेंथ. कलर्स तो यहाँ इतने हैं, ये जो यूवी है इसे तो हम नहीं देख सकते, इट इज इनविजिबल फॉर अस. ये बाकी भी यहाँ भी इनविजिबल है. तो इसे जो है ये अरेंजमेंट ऑफ दीज वेव लेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. और ये जो स्पेक्ट्रम है इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसमें मैंने कोई मिस दिखाया नहीं. मान लीजिए यहाँ तक विजिबल रेंज में ही आप देखिए सारे कलर्स हैं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. राइट, क्लियर? अगर हम ध्यान से आप देखेंगे ये पॉइंट, आगे हमें इसे और डिस्कस करना है बाकी लेक्चर्स में. ये मान लीजिए आप इसमें आपने कोई गैस लिया, सपोज नाइट्रोजन आपने लिया है, यहां से आप व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, यहां से आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, आपने क्या देखा? वायलेट ग्रीन रेड, तीन ही लाइट्स है, बाकी कलर्स गायब. कोई और गैस आपने लाई, यहां एक गैस और, सपोज ऑक्सीजन आपने रखा, यहां से आपने फिर से व्हाइट लाइट डाला, यहां से देखा आपने मान लीजिए चार कलर्स, यहां यूवी भी सपोज, यहां कोई और कलर इंडिगो था, ऑरेंज था, ब्लू था, कुछ और था, तो डिफरेंट कलर्स आने लगे लेकिन कुछ कलर्स मिसिंग. यहां से आपने एक और गैस लाया, कोई भी गैस, मान लीजिए हीलियम आपने डाला, इसमें व्हाइट लाइट डाली, तो यहां से फिर से स्पेक्ट्रम आपने किया, तो स्पेक्ट्रम में आपका सपोज आ गया एक्स रेज, आ गया यूवी रेज, या कोई और रे आ गई, सपोज ऑरेंज वाली आ गई, तो बाकी कलर्स मिसिंग थे. तो सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रम. इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम. ये डिस्टिंक्ट एक स्पेक्ट्रम है. इसमें कंटिन्यूटी जैसे पहले स्पेक्ट्रम में मैंने दिखाया था, कंटिन्यूटी नहीं है. इसमें कुछ ही कलर्स हैं, कुछ मिस हैं. तो देयर इज अ स्पेसिफिक बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट वेवलेंथ्स और कलर्स. तो ये जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट एटम्स की, ये इस गैस की, ये जो एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम्स दिखाते हैं. और मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, इन एटम्स का अपना खास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एंड द लाइन स्पेक्ट्रम इज द फिंगरप्रिंट ऑफ दीज एटम्स. नाइट्रोजन का अपना खास फिंगरप्रिंट होगा, अपने खास कलर्स यहां से आएंगे, बाकियों का अपना अपना इसी तरह से अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग आता है. रदरफोर्ड को तो इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब मैक्सवेल के हिसाब से एनर्जी लूज करना चाहिए, और वो भी कंटिन्यूअसली लूज करना, क्योंकि ये मूव हो रहा है तो कंटिन्यूअसली लूज होना चाहिए. तो ये जो यहां पे स्पेक्ट्रम वगैरह, ये कंटिन्यूअस आना चाहिए था, जो मैंने पहले समझाया, डिसकंटिन्यूअस नहीं आना चाहिए, लेकिन एटम्स का डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है. इसलिए हम कहेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम जो एटम्स का है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो हम लिखेंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स. तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दिस वॉज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. चलिए, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.